मुरादाबाद में आयोजित श्री राम कथा का छठवां दिन लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट, श्री राम बालाजी धाम, बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट, लाला ओम प्रकाश अग्रवाल मेमोरियल ट्रस्ट एवं श्री राम कथा अमृत महोत्सव समिति के तत्वाधान में बुद्धि विहार में पंडित पूज्य श्री रमेश भाई ओझा जी ने राम कथा के अष्टम दिवस में कथा व्यास जी के मुखारविंद से कहा कि राजनीति चार चरण पर खड़ी होती है। साम दाम दंड भेद और राम राज्य में सिर्फ दो दंड थे, दंड और भेद नहीं थे। दंड तो केवल दंडी सन्यासियों के पास होता था क्योंकि कोई अपराध करता नहीं था, इसलिए दंड की जरूरत ही नहीं थी। युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, यह नहीं है कि यही गीता को समझना है कि जहां पर महाभारत का युद्ध हुआ उसका नाम कुरुक्षेत्र। मनुष्य जब से पैदा हुआ तब से कुरु सुनता है, यह हमारा शरीर जब से हमें मिला तब से कर्म जुड़ा है। किसी भी देहधारी के लिए यह क्षण भी बिना कर्म के रहना संभव नहीं है और हर कर्म संघर्ष है। जब हम रात को सोते हैं वो भी कर्म है, क्योंकि जब हम सोएंगे नहीं तब तक जागेंगे नहीं। 18 घंटे जागने के लिए 6 घंटे सोना आवश्यक है। ये जो हम सांस ले रहे हैं ये भी एक संघर्ष है, ये भी युद्ध है। हर क्षण हो रहा भूख एक रोग है और अन्न उसकी औषधि है। जिंदा रहने के लिए खाना आवश्यक है और थक गए तो सोना आवश्यक है। भगवान कहते हैं मेरा स्मरण करते हुए जीवन का युद्ध कर। जब कोई भगवान को साथ लेकर युद्ध करता है तो उसका सफलता अवश्य प्राप्त होती है। कृष्ण तो सबसे जुड़े हैं पर हमको कृष्ण से जुड़ना होगा। तुम उस राष्ट्र की हो कि नहीं, और राष्ट्र की यदि तुम हो तो राष्ट्र के कायदे कानून व्यवस्था उसका आदर करना चाहिए कि नहीं। राष्ट्र के कॉन्स्टिट्यूशन का आदर करना चाहिए कि नहीं। राम सबके हैं, सही बात है, हम राम के हैं कि नहीं। राम तो हमारे हैं इसलिए तो सांसें चल रही है, जीवन चल रहा है, लेकिन हम राम के हैं कि नहीं। सांस कोई और चला रहा है और हम किसी और के होकर के जी रहे हैं। किसके? रावण के। रावण है मोह, उसका शासन है हम पर, तो राम के होकर के रहो। भगवान ही हमारे हैं हकीकत तो ये, इसलिए मीराबाई को याद करो। भगवान के अतिरिक्त और किसी पर तुम दावा नहीं कर सकते कि एक मेरा है। इवन तुम्हारा शरीर भी तुम्हारा नहीं है, इस पर भी दावा नहीं कर सकते क्योंकि ये भी छूटता है एक दिन। शरीर से संबंध जिनके साथ है वो भी छूट जाते हैं। शरीर से मेहनत करके जो भी पाया कमाया वो धन भी छूट जाता है। राम कृष्ण वो तो जुड़ा हुआ ही है। योगेश्वर मेरे तो राम कोई दूसरा सगा सो साधु संग बैठ।